हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी अदर वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के ऐसे टॉप 5 कंटेस्टेंट के बारे में जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ा कि कौन बिग बॉस, कौन सलमान खान। इनमें से दो कंटेस्टेंट तो ऐसे थे जिन्होंने बिग बॉस का कुत्ता बना दिया, और इनमें से दो तो विनर भी थे बिग बॉस के। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कंटेस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो करना, नंबर 5 पे आती है गौहर खान। पर्सनली मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं थी, मतलब ये अपने ही ज्ञान पेलती रहती थी हर किसी से। जब इसको कोई कुछ बोलता तो कहती आप मुझे मत बताइए, आप अपना काम करिए। तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने इसको इस लिस्ट में इसलिए ऐड करा है क्योंकि जब कुशाल के एंटी से झगड़ा हुआ था, आपको याद होगा सीजन 7 में, तब इसने स्टैंड लिया था बिग बॉस के अगेंस्ट और उसने बिग बॉस को बहुत कुछ सुनाया था। तो इसीलिए नंबर 5 पर आती है गौहर खान। पूरा मूड खराब कर दिया। नंबर 4 पे मैं ऐड करना चाहूंगा बिग बॉस के बहुत पुराने कंटेस्टेंट को सीजन 2 में। मैं बात कर रहा हूं राहुल महाजन की। जो लोग कहते हैं कि बिग बॉस 13 बेस्ट सीजन था, मतलब अगर आप पुराने जो बिग बॉस को फॉलो करते हैं उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि सीजन 2 भी बहुत अच्छा सीजन था बिग बॉस का। तो उस कंटेस्टेंट की मैं बात करना चाहूंगा जो इस सीजन में मतलब बहुत ही पॉपुलर हुआ था, वो है राहुल महाजन। और इसको इस लिस्ट में मैंने इसलिए भी ऐड करा है क्योंकि जब फिनाले वीक था, सारे घर वाले मतलब घर से छलांग लगा के बाहर खाना खाने चले गए थे। जब वापस लौट के आए तो सबके ऊपर बिल फाड़ा गया, लेकिन इस बंदे ने अपने ऊपर बात ले ली कि मेरी गलती थी, सब लोगों को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। और बिग बॉस से बहुत बदतमीजी से भी बात करी थी, बदतमीजी नहीं कह सकते, मतलब अपना स्टैंड सही से लिया था, बिग बॉस से मतलब डरा नहीं। तो इसलिए मैंने राहुल महाजन को भी इस लिस्ट में ऐड करा है। नंबर 3 पे मैं बात करना चाहूंगा आपका सबका बिग बॉस के इतिहास, जिन्होंने भी आज तक बिग बॉस देखा उनका सबका फेवरेट सिद्धार्थ शुक्ला। मतलब ये तो ऐसा कंटेस्टेंट था बिग बॉस के, इसके मतलब बात जितनी करी जाए कम है। और इसको मैंने इस लिस्ट में इसलिए भी ऐड करा है क्योंकि आप सब जानते हैं कि इसने कभी किसी की सुनी नहीं, ना बिग बॉस की ना सलमान खान की। इसका जो स्टैंड था अपने स्टैंड पे एंड तक खड़ा रहा। बात तो सही है। तो मैं सिद्धार्थ शुक्ला को इस लिस्ट में इसलिए ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि इसने भी बिग बॉस और सलमान खान दोनों की बजाय थी, किसी से नहीं डरा था। You are right, bro. नंबर 2 पे मैं ऐसे कंटेस्टेंट को ऐड करना चाहूंगा जिसने मतलब बिग बॉस के नाक में दम कर दिया, बिग बॉस भी अपना सर पकड़ के बैठ गया कि भाई किसको बुला लिया। मैं बात करना चाहूंगा पुनीत सुपरस्टार की। अबे साले, पुनीत सुपरस्टार के बारे में बात करें तो भाई पहले दिन ही बिग बॉस आया और इसने जो हंगामा मचाया बिग बॉस के घर में, भाई आप सबने देखा होगा। भाई बिग बॉस भी एंड में आकर उन्होंने कई बार वार्निंग दी, लेकिन ये बंदा सुने ही नहीं, ना बिग बॉस की सुना ना कंटेस्टेंट की सुना। मतलब बिग बॉस को कुत्ता बना दिया था इस कंटेस्टेंट ने। मतलब इसके बारे में बात करना है, स्टार्ट करूं मैं तो जब से ये घर में घुसा था उसी टाइम से इसने बिग बॉस क्या मतलब कोई होस्ट क्या सबको सुनाना स्टार्ट कर दिया था। बिग बॉस से डरा भी नहीं, पहले दिन इसको निकाल दिया गया, लेकिन भाई अपने दम पे बंदा मतलब एक बार भी इसके मुंह पे शिकन भी नहीं आई और घर छोड़ के वापस आ गया। खत्म हो गया भैया मैटर। नंबर 1 पे मैं ऐसे कंटेस्टेंट की बात करना चाहूंगा जिसने बिग बॉस को इतनी गंदी गंदी गालियां दी, इतनी गंदी गंदी गालियां दी कि बिग बॉस से कान के कीड़े झड़ गए होंगे। क्या बात करता है यार। मैं बात कर रहा हूँ बंटी चोर की। हालांकि इसको चोर को तो बहुत ज्यादा ऑफेंड हो जाता है, इसके ऊपर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं चोरी के, और इसके ऊपर मूवी भी बनी है ओई लक्की लक्की ओई। अगर आपने मूवी देखी होगी तो इसके चोरी के ऊपर पूरा दिखाया गया कि ये कैसे चोरी करता था, क्या करता था। हालांकि जब इसको बिग बॉस के घर में बुलाया गया तो उस टाइम संजय दत्त और सलमान खान होस्ट थे सीजन 5 के, तो उन्होंने इसको चोर कह के मतलब इंट्रोड्यूस कराया था लोगों से, तो उसमें मतलब ये ऑफेंड हो गया था। इसने बोला था कि मुझे चोर मत बोलिए, लेकिन वो लोग इसका मजाक उड़ाते रहे। उसके बाद ये घर गया, घर में मतलब इससे काफ़ी इंसल्टेड फील हुआ, तो उसने कहा मुझे घर से बाहर जाना है। बिग बॉस इसको निकालने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन भाई उसके बाद जो उसने हरकतें करी थी ना भाई, इसने कैमरे पे मोजे पहना दिए, इतनी गंदी गंदी गालियाँ थी माँ बहन की बिग बॉस को। बिग बॉस इसे बात करने आए उस टाइम ये गाली बक रहा था बिग बॉस को। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये सबसे नंबर 1 कंटेस्टेंट में आता है जिसने बिग बॉस की बैंड मजाई थी, और बिग बॉस ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि इतनी बेइज्जती करेगा ये बिग बॉस की। साले मजाक बना के रखते। तो ये तो थे मेरे टॉप 5 कंटेस्टेंट जिन्होंने बिग बॉस की बैंड मजाई थी। अगर आपको कोई ऐसा लगता है जो मेरे से कंटेस्टेंट छूट गया है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं। एंड आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करना दोस्तों में ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित रहो एंड जय हिंद।